बहुत बार हम किसी जानवर के साथ गलत होता हुआ देखते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। चाहे वो किसी का पालतू कुत्ता हो या वो दुकान हो जहाँ पालतू जानवर बेचे जा रहे हों, चाहे किसी ने दूध लेने के लिए गाय बांध रखी है या काटने के लिए मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो आइए सुनते हैं गौरी मोलके जी से कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। If there is a certain person who is treating an animal cruelly in any manner, भले ही वो उसको एक्सरसाइज ना करा रहा हो, बहुत छोटी चेन से बांध रखा हो, उसको खाना नहीं दे रहा हो, उसको टाइम पे वेटनरी केयर नहीं दे रहा हो और इरिस्पॉन्सिबली किसी पेट को रख रहा हो, तो उसके ऊपर सेक्शन 11 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट तो लगेगा ही। सेक्शन 11 में पनिशमेंट्स भी दे रखी हैं, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, कंप्लेंट केस कोर्ट में भी डाल सकते हैं 200 CRPC के अंतर्गत। अगर बाहर किसी को न्यूसेंस महसूस हो रही है तो 268-269 का यूज कर सकते हैं, बट अदरवाइज इट्स अ नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस एंड कैन बी बुक्ड अंडर 11 PCA if the animal is injured, if it is suffering from some kind of a disease because of being treated cruelly and kept tied for a long time, तो फिर हम इसमें 429 IPC भी लगा सकते हैं FIR दर्ज करने के लिए। जनरली ऐसे केसेस में अगर ढंग से फोटो वगैरह खींची हुई है और हमने 200 CRPC का कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाल दिया है, तो कोर्ट्स अपने आप ही कॉग्निजेंस लेकर वो मैटर को पुलिस को बोलते हैं कि एनिमल्स की हालत को या तो इमीडिएटली सुधारें या फिर उनको रिहैबिलिटेट करें। एंड क्या यही चीजें एप्लीकेबल होंगी अगर कोई हमें म्यूल या हॉर्स दिखाया है जिसको हॉबल किया गया है या कोई काफ है जिसको ओनर खाना नहीं खिला रहा? एग्जैक्टली, क्योंकि जो हमारा वर्ड है एनिमल, वो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट में डिफाइंड है एज ऑल क्रीचर्स अदर देन ह्यूमन बीइंग्स। हेंस जितने भी जानवर हैं इंसान को छोड़कर बाकी सारे जानवर कवर्ड हैं। अब अगर लिखा है कि एनिमल को ढंग से एक्सरसाइज नहीं दी जा रही या बांध के रखा जा रहा है या उसको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है या वेटनरी केयर टाइम पे नहीं मिल रही, तो वो कुत्ता हो, घोड़ा हो, गाय हो, भैंस हो, डेयरी वाले का हो, सर्कस वाले का हो, किसी का भी हो, मगर वो प्रोविजंस अप्लाई करेंगे एंड हेंस बैलगाड़ी है, उसको ढंग से नहीं चला रहा है, मारते हुए दिख रहा है, एनीथिंग। बेसिकली सेक्शन 11 एक बहुत वाइड सेक्शन है, उसमें किसी भी प्रकार की क्रूल्टी जो हमें आंख से क्रूल्टी दिखाई पड़ती है वो सेक्शन 11 की किसी ना किसी सब सेक्शन में इंक्लूड हो जाती है। उसके साथ हमें कंबाइन करना पड़ता है कोई आईपीसी का सेक्शन अगर अप्लाई करता है, तो आईपीसी में जनरली एनिमल म्यूटिलेशन की चोट लगी है तो हम सेक्शन 429 लगाते हैं। अगर कोई अवैध मीट शॉप है, कोई सड़क पर जानवरों को काट के फेंक रहा है, मार रहा है, तो उस पर हम 268 लगाते हैं। अगर कोई बीमारी फैलाने वाले चीजें कर रहा हो, जैसे कई बार मीट शॉप्स ओफल्स और ब्लड वगैरह फेंक देते हैं सड़कों पर, तो 269 भी लगाते हैं, एटसेट्रा। सो इट्स बेसिकली सेक्शन 11 अलोंग विद सम रूल्स अंडर पीसीए एंड आईपीसी दैट वी यूज फॉर फाइलिंग अ केस विद द पुलिस इन केस ऑफ एनिमल क्रूएल्टी। जो आपने सेक्शन 269 मेंशन किया, क्या वो तब भी एप्लीकेबल होगा कि किसी ने चिकन शॉप वाले ने अपनी जो मुर्गियां बड़ी बुरी तरह रखी हुई हैं कि ना उनको एडिक्वेट खाना दे रखा है, ना दाना दे रखा है, ना सन से प्रोटेक्शन दे रखी है? हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी वाला कॉन्सेप्ट चलता है, और दूसरा ये भी कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो कंप्लेनेंट के ऊपर होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो सिर्फ शक पैदा कर देने पे सोचना कि अब तो इसको जेल हो जाएगी, ये नहीं होता। कुछ तो एविडेंस हमें दिखाना पड़ेगा टू डेमोंस्ट्रेट टू द मैजिस्ट्रेट, क्योंकि ट्रायल कोर्ट्स में एविडेंस बहुत मायने रखता है। तो अगर हम ऐसा कोई एविडेंस डेमोंस्ट्रेट कर सकें ट्रायल कोर्ट को, तब ये धाराएं यूज करनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूं जब चोट लगी हो तो हमें 429 यूज करना चाहिए, क्योंकि वो चोट मेडिकल रिकॉर्ड में आ जाएगी और वो मेडिकल रिकॉर्ड एविडेंस के तौर पर ट्रायल कोर्ट में इस्तेमाल हो सकेगी। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर हम कोई एक्यूजेशन कर रहे हैं तो वो एक्यूजेशन को बैकअप करना भी हमारा काम है। ऐसे नहीं है जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, अगर किसी के पास शेर की खाल मिल गई तो फिर वो बंदा प्रूव करेगा कि उसने शेर को नहीं मारा, क्योंकि वहां उस एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द अक्यूज्ड पर्सन। जो उसको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है वो उसको खुद करनी है,
हमारे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, हमें प्राइमा फेसी बस पता चल जाना चाहिए कि उसके पास कुछ गड़बड़ था, और उसके बाद हमें अक्यूज्ड बंदा प्रूव करेगा कि वो इनोसेंट है या नहीं। तो बट आईपीसी में, पीसी एक्ट में ये सब नहीं है। पीसी एक्ट में हमें बताना पड़ेगा कि ये क्यों गिल्टी है, आईपीसी में हमें बताना पड़ेगा कि ये क्यों गिल्टी है। अगर हम कोई धारा उसके ऊपर लगा रहे हैं तो वो धारा क्यों उसके ऊपर लगनी चाहिए और क्या एविडेंस है, फैक्ट है सर्कमस्टेंसेस की, हमें बताना पड़ेगा। तो एंड आई एम गेसिंग कि यही सेम चीजें अप्लाई होंगी अगर कोई पेट शॉप वाला है जिसने अपने सारे जानवर छोटे छोटे केजेस में रखे हुए हैं। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप इज कि हम डॉक्यूमेंट करें, फोटोज लें, वीडियोज लें, एंड देन सेकंड स्टेप इज कि हम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करें। एब्सोल्युटली, सबसे पहले तो हमें, इससे पहले कि हम किसी पेट शॉप या डॉग ब्रीडर के पास जाएं और उसके ऊपर धावा बोलें और वीडियो बनाना शुरू करें, सबसे पहले तो जरूरी है कि हम डॉग ब्रीडिंग रूल्स को पढ़ लें, पेट शॉप रूल्स को पढ़ लें और उसके बाद उसको समझ लें। जब हम ये सब समझ जाएंगे, थर्ड रूल जो हमें पढ़ना चाहिए वो केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स है, क्योंकि पेट शॉप्स और डॉग ब्रीडर्स में जरूर कुछ जानवर जिंदा बचते हैं, उनको कैसे रखा जाना है ये नेक्स्ट स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो वो केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स भी पढ़ने चाहिए। जब हम इन तीनों को पढ़ लें तो हमने हर स्टेट से ड्यूरिंग द लॉकडाउन गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकलवाए हुए हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो अपने अपने स्टेट का एक गवर्नमेंट ऑर्डर का प्रिंट आउट निकाल के रख लें। उसके बाद पेट शॉप में जाके फैक्ट्स को कलेक्ट करें, वो फैक्ट्स भी मैंने ईमेल पे ढंग से पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं कि पेट शॉप का एड्रेस क्या है या डॉग ब्रीडर का एड्रेस क्या है, उसको चलाने वाले का नाम क्या है, कौन कौन से प्रजाति के जानवर उसके यहाँ रखे जाते हैं बिकने के लिए या ब्रीडिंग के लिए, वो एग्जैक्टली वहां पे क्या कौन कौन से वायलेशंस करता है। अब अगर जैसे कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति जिसे कुछ नहीं पढ़ा हो, वो किसी पेट शॉप में जाएगा तो उसको बहुत खास कोई वायलेशन शायद समझ में ना आए, उसे सिर्फ ये इमोशनली बुरा लगे कि बहुत खराब हो रहा है, बड़े बुरी तरह रखे, बट कौन सी एग्जैक्ट धारा का वो उल्लंघन कर रहा है वो नहीं समझ में आएगा। अगर कोई रूल्स को पढ़ ले जाने से पहले तो उसको दिखाई पड़ेगी चीजें कि अरे पावर बैकअप है कि नहीं, अरे रात को कोई रहता है कि नहीं, अरे कुत्ते के बगल में बिल्ली तो नहीं रखी हुई है, बिकॉज दोज आर थिंग्स रिटन इन द रूल्स, यू विल नॉट हैव टू बी इमेजिनेटिव व्हेन यू गो टू द पेट शॉप और डॉग ब्रीडर। अगर हमने पढ़ा हुआ होगा तो हमें ठक 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 10 ऐसे वायलेशंस दिख जाएंगे जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसने रूल्स नहीं पढ़े उसको नहीं दिखेंगे। जितना स्ट्रॉन्गली आप फैक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका कंप्लेंट होगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपका केस होगा ट्रायल कोर्ट के सामने। याद हमेशा ये रखना है कि जानवर को पेट शॉप से निकाल लेना इज नॉट द एंड ऑफ द बिजनेस, दैट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द बैटल। उसके बाद ट्रायल कोर्ट में जाके असली लड़ाई होती है, जब वो कहता है कि नहीं ये बदमाश लोग हैं, हमारे दुकान में घुस आए और ये किया वो किया, एट दैट टाइम यू हैव टू डिफेंड द एनिमल्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लूजिंग ओवर देयर डज अ ग्रेट डिसर्विस टू एवरीबॉडी। And the police gets totally demoralized. They don't want to work with you anymore. So it's very, very critical that you read the rules so that you are confident when you go to a pet shop or a dog breeder. You should know ki acha usko registration certificate display karna tha, kya usne kiya hai ki nahi kiya hai. Isse bhi zyada jo banda prepare hona chahe, wo RTIs ke through apne state animal welfare board se puchega ki aapke state mein kaun kaun se pet shops and dog breeders registered hain. Agar usko RTI ke jawab mein 3-4 ya 5-10 ya 0 ki list mil jati hai, to phir wo aaram se police thane ko bata payega, ye dekhiye registered wale to ye hain, iska naam to nahi hai, iska matlab ye unregistered hai.